हम बात करेंगे संबंधों पर, क्योंकि जगत का सारा व्यवहार संबंधों पर टिका है। कहीं पारिवारिक संबंध होता है तो कहीं कारोबार का संबंध होता है। पिता पुत्र का संबंध और पति पत्नी के संबंध में अंतर प्रतीत होता है। मित्रों के संबंध में और कारोबार के संबंध में भेद दिखाई देता है, और फिर भी सभी संबंधों में एक समानता है। पहले मधुर और प्रिय लगने वाले संबंध बहुत जल्दी कड़वे प्रतीत होने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? क्या हमारे अधिकतर संबंध बोझ नहीं बन जाते जीवन में? पर ऐसा होता क्यों है? संबंध वास्तव में क्या है? कुछ संबंध का आधार प्रेम पर होता है तो अन्य संबंध का आधार लाभ पर। फिर भी सारे संबंध अंत में टूटने क्यों लगते हैं? संबंध का अर्थ उस शब्द को समझने से ही मिलता है। एक व्यक्ति जब दूसरे से बंध जाता है तो उसे बंधन कहते हैं, किंतु दो व्यक्ति जब एक दूसरे से बंधे होते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। सम अर्थात समान और बंध अर्थात बंधन। घोड़े और उसके सवार के बीच संबंध नहीं, वहां केवल घोड़ा बंधन में है, सवार मुक्त है। संबंध में दो व्यक्ति एक ही प्रकार से बंधे होते हैं, अर्थात प्रत्येक संबंध में दोनों व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं। पिता यदि पुत्र को परवरिश देता है तो पुत्र भी पिता को प्रेम और गर्व देता है। बड़े होकर वही पुत्र यदि पिता को संभालता है तो बदले में वृद्ध पिता मार्गदर्शन देता है। ऐसा ही प्रत्येक संबंध में होता है ना, आदान यानी प्राप्त करना और प्रदान यानी देना। ऐसे आदान प्रदान की असमानता दिखाई दे तो वो भ्रम है। वास्तव में जहां असमानता नहीं होती वहीं संबंध होता है, और संबंध में कड़वाहट का कारण भी उसी से समझ में आ जाता है। जब भी दो में से कोई एक व्यक्ति अपने प्रदान का महत्व अधिक मानने लगता है तो संबंध कच्चा हो जाता है। अपने सारे संबंधों को देखिए और परखिए। यदि कड़वाहट है तो अवश्य आप पाएंगे कि आपका अपना अहंकार बढ़ गया है। जब भी संबंध में किसी एक का अहंकार बढ़ जाता है तो वो संबंध दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। जैसे प्रेम के लिए मांग विष है, ठीक वैसे ही अहंकार किसी भी संबंध के लिए जहर है। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए।